सिद्ध सिद्धांत पद्धति में के दूसरे उपदेश पिंड विचार में त्रिविध लक्ष्यों की चर्चा की गई है, जिसमें तीन लक्ष्य बताए गए हैं। पहला अंतर लक्ष्य, दूसरा बहिर्लक्ष्य, तीसरा मध्यम लक्ष्य। अब हम जो त्रिविध लक्ष्य के अंतर्गत प्रथम लक्ष्य को, जिसको हम कहते हैं अंतर लक्ष्य, उसके विषय में प्रकाश डालेंगे। यहाँ इसमें कहते हैं कि तत्र तावद अंतर लक्ष्यम कथ्यते। सर्वप्रथम अंतर लक्ष्य का निरूपण इसमें करते हैं गुरु गोरखनाथ जी, और कहते हैं कि यह जो है मन के वशीकरण का प्रथम उपाय है, और मन के वशीकरण से अभीष्ट ध्येय की सिद्धि प्राप्त होती है। यानी कि जब मन वश में हो जाता है, तब हमें कोई न कोई जो है, जो भी हम सिद्धि चाहते हैं, तो मन को वश में करने पर ही कोई न कोई सिद्धि प्राप्त होती है। तो इसमें आगे कहते हैं कि ये जो इसमें जो है पहला बताते हैं कि जो मूलकंद से सहस्त्रार मेरुदंड में श्वेत वर्ण वाली ब्रह्मरंध्र तक पहुंची हुई कमल तंतु के समान करोड़ों बिजलियों की चमक के सदृश प्रकाशमयी ऊर्ध्वगामी शक्ति का मन में ध्यान करना चाहिए। यानी लक्ष्य जो है ध्यान करना, ये लक्ष्य है, यही जो ध्यान करना है वही लक्ष्य है, तो ध्यान करना चाहिए इस, जिससे सभी सिद्धियां या जो है समस्त कुंडलिनी, या इसके ध्यान से यह कुंडलिनी समस्त सिद्धियाँ प्रदान करती है। और दूसरा है कि मस्तक का ऊपरी भाग जिसको गोललाट कहा जाता है, इस गोललाट के चल आकार का ध्यान करना चाहिए। गोललाट जो है मस्तक का ऊपरी भाग होता है, उसका उसमें ध्यान करना चाहिए, उसमें लक्ष्य मन को टिकाना चाहिए। और या फिर जो है मेरुदंड के सम्मुख जो है ग्रीवा के उपरिगत स्थान को भ्रमर गुफा कहते हैं, यानी भ्रमर कहते हैं, भ्रमर गुहा मध्य आरक्त भ्रमराकारम लक्षित, भ्रमर गुफा कहते हैं, इस भ्रमर गुफा में रक्त वर्ण भ्रमर के आकार का ध्यान करना चाहिए। और दोनों कानों से, फिर अगला, दोनों कानों से छिद्रों को और दोनों तर्जनी अंगूठे के पास वाली उंगली से निरुद्ध करना चाहिए, इससे सिर के मध्य भाग में धू धू ऐसे नाद सब सुनाई देते हैं। या फिर नेत्रों के मध्य नीली ज्योति वाली पुतली के आकार का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से अंतर लक्ष्य का वर्णन समाप्त हुआ। अब दूसरे लक्ष्य के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको कहते हैं गुरु गोरखनाथ जी के बहिर्लक्ष्य। उसमें जो है सबसे पहले जो है बहिर्लक्ष्य में नासिका के अग्र प्रदेश से दो अंगुल बाहर रक्त वर्ण के तेज का ध्यान हमें करना चाहिए। और फिर दूसरा है कि नासिका के 10 अंगुल आगे तरंग के समान जल तत्व का ध्यान करना चाहिए। और तीसरा है नासिका के बाहर 12 अंगुल आगे जो पीले वर्ण के पृथ्वी तत्व का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद आकाश की ओर दृष्टि रखकर आकाश तत्व का ध्यान करना चाहिए। इससे फायदा क्या होता है कि इससे जो है साधक का चित्त जो है किरण रहित आकाशवत निर्मल एवं व्यापक हो जाता है। और फिर आगे है कि आगे कहते हैं कि ऊर्ध्व दृष्टि रखते हुए उसके मध्य देखना चाहिए, जिससे साधक अनेक ज्योतिपुंजों का दर्शन करता है। और इसके और कहते हैं आगे इसके कहते हैं कि आकाश की ओर दृष्टि रखकर उसके अंतर्वर्ती आकाश को देखना चाहिए, जिससे जो है वह जो योगी होता है उसका चित्त आकाश सदृश होता हुआ उसके लिए मुक्त प्रद हो जाता है। और फिर इसके आगे कहते हैं कि दृष्टि को अंतर्मुख कर तप्त सुवर्ण के रंग वाली पृथ्वी का ध्यान करना, इससे योगी की दृष्टि में स्थिरता आ जाती है। अब हम त्रिविध लक्ष्यों के अंतर्गत मध्यम लक्ष्य को के विषय में जानेंगे। मध्यम लक्ष्य में जो है कहते हैं कि इसमें जो है योगी को किसी विशेष स्थान पर या विशेष लक्ष्य विशेष पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता, अपितु या तो श्वेत रंग पर, ये लाल रंग, काला रंग, अग्निशिखा, बिजली के समान किसी भी आभा का, और सूर्यमंडल का, या अर्धचंद्र का, या अपने शरीर के किसी अंग को इसमें अपने ही मन में चिन्हित करके उसका ध्यान
किया जाता है, उस पर मन को केंद्रित किया जाता है। इस प्रकार से जो है ये जो तीनों लक्ष्यों को, श्रृंखला को हम लोगों ने देख लिया।